आज हम मिलने वाले हैं पुरानी जो जमाने एग्जाम जो लड़कियां देती थी उनसे आज हम कुछ बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं जो प्रतिमा जी हैं यहाँ पे। तो बताइए अभी जो देख रहे हैं आप लोग रील्स पे जो वहाँ बन रहा है गाने एग्ज़ाम में जाने में क्या मतलब मिल नहीं पाते हैं ऐसा कुछ करके है वो भोजपुरी गाना है तो हमको समझ में नहीं आता है उतना। तो आप देखी होंगी तो आपको कैसा लग रहा है जो अभी के बच्चे हैं जितना मतलब इंटरटेन एग्ज़ाम को समझ रहे हैं कि इंटरटेन कर रहे हैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं हम लोग मस्ती करने जा रहे हैं या फिर रील वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो आपके टाइम में जो था कढ़ाई रहा होगा आप पहले ही एग्ज़ाम दे चुकी हैं उस टाइम में शायद स्मार्टफोन वगैरह रहा भी नहीं होगा अगर रहा तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस कुछ बताएंगी आप। हाँ बताएंगे बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले सारे ऑडियंस को हमारी तरफ से नमस्ते प्रणाम जी। और मेरे टाइम में मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम में सबसे पहले तो पढ़ाई के टाइम में बहुत ज़्यादा कढ़ाई होता था एग्ज़ाम आने से पहले ही कि मतलब कौन सा क्वेश्चन आ सकता है तो उसको सब रिपीट करते रहता था कि मतलब ये आ ही सकता है। और दूसरी नंबर बात ये कि वहाँ पे जब हम लोग सेंटर पे पहुँच जाते थे खासकर तो और ज़्यादा डर लगा रहा होगा कि मतलब क्या लिखेंगे या नहीं लिखेंगे ऐसा आपको ऐसा था। और तो सबसे पहली बात कि वहाँ पे जाते ही हम लोग का सेंटर पे जाते ही बहुत ज़्यादा मतलब हाँ घबराहट जैसा होने लगता था। अभी भी सोचने से लगता हुआ कि मतलब लोग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस में रील बना रहे हैं हम लोग डर रहे थे उस टाइम पे। अभी के बच्चे हैं वो एग्जाम कम देने और उनको रील्स पे ज़्यादा ध्यान रहता है। अच्छा। तो अभी मतलब कोई ये नहीं है कि एग्जाम देने जा रहा है या कोई शो में जा रहा है क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं। अभी मतलब ये सोच पा रहे होंगे कि ये नहीं तो ये हो जाएगा कहीं दो ऑप्शन लेके चलते होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है एग्जाम देने के टाइम में हर किसी को डर लगता था पहले के ज़माने में मतलब मेरे टाइम में और अभी तो फिलहाल। तो वही हम आपसे पूछने के लिए आए थे कि मतलब अभी जितना हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अभी एक्टिव होंगी अभी हम तो एक्टिव है हाँ तो उस पे आप देखी होंगी कि जैसे बना रहे हैं वीडियो हम काफ़ी सारे देखे हैं सेंटर पर भी जाके बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं बना रही हैं वीडियो को। तो उसमें यही पूछना था कि मतलब पहले के लोग इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वहाँ पे जाके बोल पाए सही से और लोग रील शूट कर रहे हैं उनको डर नहीं है या फिर वो लोग पढ़ाई को मजाक में ले रखे हैं ये जानने के लिए आए थे। और हमारे साथ प्रतिमा जी हैं जो बहुत पहले एग्ज़ाम दे चुकी हैं और बहुत सारी बातें इनसे हुई जानने के लिए मेरा कि सेंटर पे जाके ऐसे मतलब घबराहट जो होता है वो इन लोगों के टाइम में था लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हो गया है बल्कि बच्चे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं इन मामलों में कि रील्स बनाना है वीडियो बनाना है भले ही मेरा रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन इसमें हम आगे रहे ऐसा कुछ है। हाँ रील्स वीडियो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है सबका। तो ये अभी पढ़ाई के मामले में एग्जाम देने जा रही है या फिर पढ़ने जा रही है कॉलेज जा ये ऐसा कहा जा सकता है कि उन लोगों का एक जो है शूट करने का लोकेशन टाइप का हुआ ये ऐसा हम यहाँ पे भी शूट करेंगे तो वायरल ज़्यादा होगा। हाँ वो ज़्यादा वायरल भी जा रहा है तो इसलिए सब बच्चे सब आजकल सोच रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हम मेरा कुछ सेटल भी हो जाए कुछ आ जाए मैं नहीं तो बाद में भी तो कर सकते हैं अभी करना जरूरी कैसे समझ रहे हैं वो लोग। अभी के अभी के जो भी मतलब बच्चे हैं ना तो उनको ये समय ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना ज़्यादा अच्छा लगता है और हम लोग के टाइम में फ़ोन नहीं था रिसीवर वाला फ़ोन था तो उस पर कुछ कर नहीं सकते थे और मोबाइल भी था तो कीपैड था तो अभी स्क्रीन टच है हर किसी के पास होता है और सभी के पास इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक आईडी सब कुछ है तो रील्स बनाते हैं तो अभी के लिए वही सही है क्योंकि इस तो पढ़ाई का मामला जो है कम फोकस उस पर दिया जाएगा। तो आगे आपको नहीं लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जैसे कम पढ़े लिखे आ जाएंगे धीरे धीरे तो इस मामले में शिक्षा के मामले में तो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं बच्चे। हाँ अभी के बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हैं अब हमें नहीं पता है कि उनके अंदर क्या है पर ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहने से थोड़ा उधर मतलब पढ़ाई में कमज़ोर तो हो ही जाएंगे चाहे कोई भी बच्चा हो। और जिसका ज़्यादा दिमाग तेज होता है वो सब काम कर सकता है मतलब कर भी लेता है अभी। चलिए ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही यही जानकारी लेने के लिए हम आए थे।